था कि हम कैसे इसको कम करें या इसको कैसे तोड़ें। तो हमारी तरफ से गलती नहीं कि समय कम हो गया, और अभी मैं थोड़ा सा एक अपने संगठन ने जो प्रयास किया हमारे संगठन ने, मैं उसको रखने की कोशिश कर रही हूँ। समय बहुत कम है तो मेरे ऊपर भी दबाव पड़ रहा है कि मैं कितना रखूँ और कितना नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी चीजों को रखने की, और अगर कोई सवाल हो तो साथी पूछ सकते हैं। तो जैसे हम जो काम करते हैं दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली शहर में हमारा जो काम है मजदूरों के साथ है, और ये मजदूर कौन है? ये मजदूर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों से आए हुए, इसमें से 85% जो मजदूर हैं वो दलित जातियों के हैं। और शहर आना एक रोजगार तो एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है जो गांव में जाति का उत्पीड़न होता है, जो समाज के बंधन है वो इतने मजबूत है कि कभी वो उससे बाहर निकलने नहीं देते लोगों को। तो लोग जो आए हैं वो खासतौर पे काम के साथ साथ जो जाति का उत्पीड़न है उसको सहते हुए वो आते हैं और शहरों में आकर के बस्तियों में रहते हैं और काम करते हैं। दोनों लोग काम करते हैं, और शायद उनके काम के सवालों पे हमने काम किया, चाहे वो उनके रोजगार को लेकर के हो, मजदूरी को लेकर हो। कल बहुत साथियों ने बताया, मैं वो नहीं दोहराऊंगी, लेकिन जब हम महिला श्रमिकों के साथ काम कर रहे थे और जब हमने सोचा कि हमें उनके साथ काम करना चाहिए, तो हमने सोचा हम काम क्या करेंगे उनके साथ, क्योंकि बहुत कहना बहुत आसान है लेकिन सवाल बहुत मुश्किल है। तो जब हमने महिलाओं के साथ बातचीत की तो हमने कहा चलो पहले बातचीत करके समझते हैं कि मुद्दे क्या हैं। तो हमें ये लगा कि बहुत सारे सवाल हैं महिलाओं के, और शायद जो हम सब ने सुबह से बात की कि इतने सारे बंधन हैं कि तुम बोल नहीं सकती, मतलब घर में तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर जा सकती हो सिर्फ कमाने के लिए, तो तुम्हारा रिश्ता एक काम तक सीमित होना चाहिए, तुमको नाचना है तो बंद कमरों में तुम्हें नाचना है, तुम समाज के सामने नहीं नाच सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि महिलाएं बिल्कुल नहीं नाचती, शादी ब्याह में ये सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन तुम बड़े मंच पे नहीं नाच सकती। तो इतने सारे बंधन, मतलब जब गिनने बैठो तो लगता है कि आप किसको तोड़ोगे और किसको छोड़ोगे। तो बहुत सारे मुद्दे महिलाओं ने निकाले, खासतौर पर संबंध बनाने की जो बात है कि हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेरा धर्म ये कहता है, मेरे को बचपन से ये तैयार किया जाता है कि पति को आप नाराज नहीं कर सकते, आप कितना भी काम करके आओ पति के साथ संबंध। तो चलो ये थोड़ा सा आसान बात है, इससे शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बाहर जाने पे तो फिर है ना पति थोड़ा सजग हो जाएगा तो बहुत सारे नियम पहले ही बन जाते हैं, लड़ने से पहले ही बहुत सारे हथियार आ जाते हैं उनके पास। तो हमने कहा चलो इसी से शुरू करते हैं। दिल्ली शहर को घूमा, दिल्ली शहर को जाना, उनकी एक समझ बनी कि शहर में किस कितनी तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, किस तरह के काम है, हमारा काम क्या। फिर हमने बात की कि चलो अब हम क्या हम अपनी जिंदगी को समझने के लिए बाहर जा सकते हैं। महिलाओं ने कहा जा सकते हैं, लेकिन जब घर में गए और जो विरोध उन्होंने झेला मैं आपको बता नहीं सकती। पति से पैसे घूमने जाना है तो सपने होते हैं, पति से पैसा लेना है तो वो एक परेशानी, 4 दिन का तो खाना बना के जा, तो जाएगी तो अपनी जगह किसी को, जैसे हम कोठियों में देखते हैं ना जब काम करते हैं तो अगर छुट्टी मांगो तो मालिक भी 4 दिन का अरेंजमेंट करता है, और फिर तो कब जाएगी, किसके साथ जाएगी, क्यों जाएगी, कब आएगी, इतने सारे सवाल। इवन कि ये भी कि अगर तुझे पैसा चाहिए, महिलाएं बहुत रोते हुए बताती हैं कि तू पहले मेरे साथ आज संबंध बनाएगी पूरा दिन, तब मैं तुझे शाम को जाने